हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने आम जनता, छात्र, युवा, व्यापारी, किसान, मजदूर सभी वर्गों के लिए अहम निर्णय लिए। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों से प्रदेश के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। मनोहर सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहले जो टीम के खिलाड़ी थे, यानी इसमें टीम होती थी 2 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, तो उसका जो कैश अवार्ड इंडिविजुअल को मिलता था उतना उसको नहीं मिलता था। अब ये तय कर दिया है, जो एक इंडिविजुअल को कैश अवार्ड मिलता है, टीम के भी प्रत्येक सदस्य को उतना ही कैश अवार्ड मिलेगा। करीब 3 घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार जहां खिलाड़ियों पर मेहरबान नजर आई, तो वहीं बैठक में किसानों और सफाई कर्मचारियों के भी हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें भी खूब तोहफे दिए गए हैं। बैठक में अनुबंध पर लगे सफाई कर्मियों और सीवर मैन को पालिका पेरोल पर लेने का फैसला किया गया। हमारे सफाई कर्मचारी जो अभी तक प्राइवेट एजेंसीज के कर्मचारी थे शहरों में, नगरीय व्यवस्थाओं में, वो अब नगर पालिका नगर परिषद के पेरोल पर होंगे। इसमें सीवरमैन भी हैं, इसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, और इसमें फायरमैन और फायर ड्राइवर भी हैं। 7103 कर्मचारियों को इस प्रकार से अब प्राइवेट कंपनी से, ठेकेदार से, अब वो नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद के पेरोल पर आ जाएंगे। मनोहर सरकार ने नारायणगढ़ शुगर मिल से जुड़े किसानों की बकाया पेमेंट के लिए मिल को 60 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि नारायणगढ़ शुगर मिल के किसान बकाया पेमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। तो एक बड़ा डिसीजन जो है आज कैबिनेट ने ये लिया है, एक नारायणगढ़ मिल का एक पेमेंट का इशू अटका हुआ था और किसानों को गन्ने की जो है वो भुगतान नहीं हो रहा था, तो वो भी किसानों को गन्ने का भुगतान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का आज कैबिनेट ने प्रोविजन किया है, जो किसानों का भुगतान पूरा नारायणगढ़ मिल का हो जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने पिछड़ा वर्ग के लिए ऋण की गारंटी सीमा बढ़ाई है। पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की सरकारी गारंटी सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले से आगामी चुनाव में सरकार को पिछड़े वर्ग का भरोसा जीतने में भी मदद मिलेगी। आनलाइन टीवी के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।